यार 2020 में हम लोग काफ़ी स्लो गए हैं, लेकिन 2021 में हम लोग फास्ट जाएंगे। लेकिन फास्ट जाने के लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त को थोड़ा फास्ट बनाते हैं, नहीं तो हम पीछे ही रह जाएंगे उसके साथ। तो इसलिए मैंने अपने स्मार्टफोन को, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, उस पर कुछ काम किया फास्ट बनाने के लिए, और उसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? तो आज की इस वीडियो में यार हम लोग कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ सिंपल चीज़ों के ऊपर जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने फ़ोन को थोड़ा इस फास्ट बना सकते हैं। अब यार जो फ़ोन की फास्टनेस होती है वो डिपेंड करती है आपके स्टोरेज पे और प्रोसेसर पे। तो प्रोसेसर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना भी स्टोरेज है आपके फ़ोन में उसे आप अच्छी तरीके से थोड़ा स्पेस खाली रख के अपने फ़ोन को फास्ट बना सकते हैं। अब यार इसके बारे में अगर बात करें तो जो फ़ोन का स्टोरेज होता है, मेरा जो फ़ोन था उसमें बहुत कम स्टोरेज था, 2 GB और 16 GB की रोम थी उसमें, जिसमें से यार 16 GB में से कम 8 या 9 GB का स्पेस तो जो सिस्टम होता है या उसके अदर ऐप वैप होते हैं वही सारे कंज्यूम कर लेते हैं, तो बहुत कम ही स्पेस बचता है। तो इससे मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वो चीज़ आप भी कर सकते हैं, कि आपके फ़ोन में हम लोग धीरे धीरे बहुत सारी ऐप इंस्टॉल करके रखते हैं, और एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं तो कभी कभी ऐसे ऐप्स होते हैं जो हमें काम नहीं रहते फिर भी हम लोग रखे रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि जितने भी नेसेसरी ऐप थे उन्हें ही रखे और सारे डिलीट कर दिए मैंने। उसके बाद फिर मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ थे जो कि जगह कंज्यूम करके रखे हुए थे, तो मैंने उन्हें भी डिलीट कर दिया। तो पूरा मिला के मैंने पहला काम किया कि जितना ज़्यादा हो सकता था मैंने अपने फ़ोन में जो मेमोरी होती है उसके स्पेस को थोड़ा खाली किया। तो जितने भी खाली की चीज़ें थे जो मुझे लगता था कि बिल्कुल काम की चीज़ नहीं, वो मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया। अब यार उसके बाद मैंने और भी ज़्यादा स्पेस खाली करने के लिए गूगल का जो फ़ोटोज़ होता है, गूगल का फ़ोटोज़ ऐप है, वहाँ पर मैंने अपने जो फ़ोन हो जो फ़ोटो होती है उसकी बैकअप होती है, बैकअप होता रहता है, तो वहाँ पे जितने भी फ़ोटोज़ बैकअप थे उसे मैंने अपने फ़ोन के स्टोरेज से डिलीट कर दिया, क्योंकि वो सारे फ़ोटोज़ मुझे जब ज़रूरत पड़ेंगे तो मैं वहाँ से ले सकता हूँ। तो यार सबसे पहला काम मैंने यही किया। अब मैं दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं जो कि आपको काम में आते हैं डेली, जैसे क्रोम हो गया या फिर अदर एप्लीकेशन जो हो गए, ओके, उस एप्लीकेशन में दोस्तों जब भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे आप क्रोम पे चले गए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सर्च करते हैं तो वहाँ पर हिस्ट्री जमा होती रहती है, बहुत सारे पेजेस ओपन करके रखते हैं, तो वो भी बहुत सारा डेटा पीछे कैसा रहता है कि उसका कंज्यूम रहता है वहाँ पर, वो भी डेटा कंज्यूम करके रखता है। तो दूसरी बात, मैंने जो भी एप्लीकेशन से उनके डेटा को क्लीन किया। तो अब यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब फ़ोन मतलब थोड़ा स्लो हो जाए तो हम लोग को रीसेट कर देना चाहिए। रीसेट करने में कैसा होता है कि आपका जो फ़ोन होता है पूरी तरीके से आपको एक बैकअप लेना पड़ेगा, उसके बाद पूरे आपके जो ऐप्स हैं, जैसे बहुत सारे ऐप यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करके रखे हैं, साइन इन किया हुआ है, तो वो सारे डेटा कैसे कि आपको फिर से इंस्टॉल करो ऐप, फिर से पूरा अकाउंट बनाओ, तो ये सारी चीज़ें फिर से हो जाती हैं, साइन इन करो, ये सारी दिक्कत। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार बिना रीसेट किए जो भी पॉसिबल वे हो सकता है जिससे हम लोग अपने फ़ोन को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने करी। और उसमें देखिए अभी जो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरा फ़ोन थोड़ा फास्ट हो गया है कंपेरेटिवली, जब मैंने ये चीज़ें नहीं करी थी जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। तो आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं यार, ये सारी चीज़ें करके आप अगर फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्लो है तो फास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन एकदम रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा। तो यार इस तरीके से आज की वीडियो में हम लोगों ने बात की कि कैसे आप अपने फ़ोन को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं बिना रीसेट किए हुए, और मेनली हम लोगों ने बात किया कि जो भी एप्लीकेशंस होते हैं पहले स्टोरेज को थोड़ा फ्री करके आप अपने फ़ोन को फास्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए जो भी अनयूज्ड एप्लीकेशंस हैं उन्हें डिलीट करके, या फिर जितनी भी फाइल्स आप रखे हुए हैं फ़ोन या फोटोज़ वीडियोज़ जो आपको लगता है कि अनयूज्ड हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो उन्हें डिलीट करके, और साथ में जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं जो रेगुलर यूज़ करते रहते हैं, जैसे क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनमें जाकर आप मैनेज जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट ऑप्शन होता है सेटिंग में जो कि मैंने बताया था, वहाँ पर जाकर जो इनका स्टोरेज होता है, जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं पर डे सर्च करते हैं, हिस्ट्री ये सारी चीज़ें सेव होती हैं, उसे डिलीट करके, तो कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन को और फास्ट कर सकते हैं। और भी ज़्यादा स्पेस आपको खाली रखना है अपने फ़ोन में, तो आप जो फ़ोटोज़ हम लोग खींचते हैं, फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा खींचते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, तो उसके लिए आप गूगल फ़ोटोज़ का जो ऑप्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर अपने फ़ोन का ऑनलाइन बैकअप लेकर जितने भी फ़ोटोज़ हैं उन्हें अपने स्टोरेज से डिलीट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं अपने फ़ोन को थोड़ा फास्ट करने के लिए। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।